हेलो एंड वेलकम टू जावा डी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर इन सी। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेट स्टार्ट। ओके, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है स्ट्रक्चर इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये जो आपने पढ़े हैं ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसी तरीके से कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर। दैट इनेबल अस, जो हमें मदद करता है टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो वो हमें कई डेटा टाइप को कलेक्ट करने पे मदद करता है। मतलब अगर मैं एक ऐसा डेटा टाइप बनाऊं, सपोज करो मैंने एक डेटा टाइप बनाया और इसके अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर लिया, तो इस पर्टिकुलर चीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर बोलेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मेंबर। अब वो जो मैंने एक्स बनाया था, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स, जितने भी आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो उसके मेंबर्स कहलाएंगे। तो ये उसके मेंबर्स कहलाएंगे। फाइन, द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं स्ट्रक्ट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट एक्स। तो एक्स क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। और कैसे बनाया इसको? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके। लेट सी द सिंटेक्स टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इन सी। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। ये लिखा है स्ट्रक्ट और हमने बनाया पर्सन। तो स्ट्रक्चर जो बनाया है उसका नाम क्या है? पर्सन। इसमें तीन एलिमेंट हैं या तीन मेंबर्स हैं। एक है आईडी जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, एक है नेम जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, और एक है सैलरी और जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। फाइन, तो यहां पे ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके अंदर तीन अलग अलग डेटा टाइप है। तो ये जो अलग अलग डेटा टाइप के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर। अब आती है बात, ये अलग अलग डेटा टाइप है और ये क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों है, आप ध्यान से समझिए। आप जैसे यहां पे लिखते थे इंट ए, तो ए क्या था? ए यहां पे था एक वेरिएबल और इंट क्या था? उसका उसका डेटा टाइप। इसी तरीके से ये जो पूरा है, ये जो पूरा है वो क्या है? डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप का अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है तो हम उसके आगे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट सी। अब मैं इस मेमोरी स्ट्रक्चर को पहले आप दिखाऊं, पहले मेमोरी चार्ट को पहले दिखाऊं, तो फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं पहले मेमोरी में हो क्या रहा है। तो लेट सी द मेमोरी स्ट्रक्चर। इंटीजर है आईडी, तो आईडी है, कितने बाइट लेता है इंटीजर? 4 बाइट। तो यहां पे 4 बाइट शो कर रहा है, कह रहा है कि एक जो सिंगल बॉक्स है वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैर नेम, यहां पे नेम, यहां पे ये साइज 10 है, तो ये 10 दे दिया आपको, ठीक है, यहां मिसिंग है, तो कैर नेम 10 है, तो ये 10 बाइट का है, तो ये 10 बाइट शो हो रहा है कि यहां पे एक एरे है जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है और साइज इसका 10 है, तो ये 10 बाइट हो गया। फ्लोट का मेमोरी कितना होता है? 4 बाइट, तो ये फोर फ्लोट भी 4 बाइट ले रहा है। तो 1000 से लेके 1004, 1004 से 1014 और 1018 तक, फिर ये टोटल साइज हमारा कंप्लीट कर रहा है। तो जैसे ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिसिंग था एरे, ठीक है। तो साइज ऑफ इंट कितना है? 4 बाइट। साइज ऑफ कैरेक्टर कितना है? 1 बाइट, लेकिन कितने कैरेक्टर है? 10, तो 1 × 10 कितना हो गया? 10 बाइट। और फ्लोट कितना है? सिर्फ 1, तो 4 बाइट। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 10 और 4, टोटल 18 बाइट। तो इस स्ट्रक्चर का टोटल साइज कितना है? 18 बाइट्स। फाइन, ओके। तो ये आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कि स्ट्रक्चर अपने सभी मेंबर को ऐड करके उनका साइज ले लेता है। सभी स्ट्रक्चर अपने सभी मेंबर्स को ऐड करके उनका साइज ले लेता है। लेट सी एक छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रोग्राम में अगर हम समझे तो मैं इसको यहां पे ये लॉक द टास्क बार अनलॉक कर दे रहा हूं। ओके, फाइन। तो ये अनलॉक हो गया। फाइन, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विद स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक बेसिक डेटा टाइप्स। फाइन, अब देखो दो तरीके से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है? जैसे आपने लिखा था इंट ए, तो ए क्या था? वेरिएबल था ना, किसका? इंटीजर डेटा टाइप का। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर भी तो एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो उसका वेरिएबल कैसे हुआ देखते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट पॉइंट, पॉइंट नाम से। इसके अंदर दो इसके एलिमेंट है इंटीजर टाइप के, एक्स और वाई। तो दो वेरिएबल है, दो एलिमेंट्स है, दो मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स हैं। और अब इसका एक वेरिएबल बनाया, तो एक तरीका तो ये हो गया आपका बनाने का। स्ट्रक्चर के वेरिएबल कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। जैसे मैंने यहां पे लिखा इंट ए, तो अब जब मैंने यहां पे इंट ए लिखा, इंट ए, तो ए क्या? एक वेरिएबल है, डेटा टाइप उसका क्या है? इंटीजर। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? दो तरीके हैं उसके। दैट इज हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन ईदर बी डिक्लेयर्ड विद स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन और सेपरेट डिक्लेरेशन। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर के साथ या तो उसके अलग से। कैसे? अभी हम स्ट्रक्चर के साथ, वेरिएबल डिक्लेरेशन विद स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर
के साथ देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम क्या है, पॉइंट, फाइन, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। इसके अंदर दो हमने मेंबर बनाए हैं, एक्स वाई, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अब ये देखो, ये है इसका वेरिएबल पी वन। तो अब आप ध्यान से समझो, अगर आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूं तो ये क्या है आपका, ये है आपका डेटा टाइप, ये आपका डेटा टाइप और ये उसका वेरिएबल। अगर आप ऐसे समझे इंट पी वन, तो पी वन क्या है, वेरिएबल है ना, किसका, इंटीजर टाइप का। इसी तरीके से पी वन क्या है, स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का क्या है, वेरिएबल। तो द वेरिएबल पी वन इज डिक्लेयर्ड विद पॉइंट, फाइन। ये हो गया उसी के साथ, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन विद स्ट्रक्चर। अब अ वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक बेसिक डेटा टाइप, जैसे बेसिक डेटा टाइप करते हैं वो कैसे करेंगे, दैट इज सेपरेट मोड में कैसे करेंगे, ये देख लीजिए आप। हमने एक वही सेम स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे हमने उसके साथ में कुछ नहीं बनाया, सेमी, यहाँ पे हमने पहले हमने यहाँ पे पी वन बना दिया था। आप कितने भी बना सकते हैं, जैसे एक इंटीजर के कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, ए बी सी, इसी तरीके से यहाँ पे आप कितने भी पी वन पी टू पी थ्री बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और कुछ नहीं बनाया। अब हम मेन के अंदर गए, हमने लिखा स्ट्रक्ट और वही जो स्ट्रक्चर का नाम था अब दिया, तो ये दूसरा तरीका है। तो द वेरिएबल पी वन इज डिक्लेयर्ड लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल, तो जो नॉर्मल तरीका होता है। तो भाई ये नॉर्मल तरीका क्या है, ये हो गया आपका डेटा टाइप और ये हो गया उसका वेरिएबल, जैसे इंट ए, इंट बी, व्हाटएवर। तो ये दो तरीके हैं, दो तरीके से आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर। अब आती है बात, जैसे हम यहाँ पे इंट A is equal to 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसका वैल्यू कितना 10, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं क्या, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। ये देखो, ये अब आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल नहीं, ये स्ट्रक्चर का मेंबर है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल वो जो फाइन या अलग से बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी इनिशियलाइज, स्ट्रक्चर मेंबर्स, मेंबर्स, ये मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैन बी नॉट इनिशियलाइज विद डिक्लेरेशन। ये गलत है, ये कंपाइलर एरर है, दिस इज अ कंपाइलर एरर, कैन नॉट इनिशियलाइज द मेंबर्स, ठीक है। रीजन क्या है, द रीजन फॉर द अबव एरर इज सिंपल, व्हेन द डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड, जब हम यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, नो मेमोरी इज एलोकेटेड, जब यहां तक अभी कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, तो अब कोई मेमोरी ही नहीं है, तो आप वैल्यू 0 या 10 या 5 कहां पे स्टोर करोगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आओ नीचे, अब मैंने struct कोऑर्डिनेट किया, अब ये तरीके में तो हम नहीं कर पा रहे थे, अब हमने struct कोऑर्डिनेट वहीं पे x और y दो वेरिएबल लिया, मेन के अंदर गए, हम मेन के अंदर गए, अब हमने struct कोऑर्डिनेट का एक वेरिएबल बनाया p1 और इक्वल टू लिख दिया 0 1। तो हुआ क्या एक्चुअल में, इस x में कितना आ गया 0 और इस y में कितना आ गया 1। तो ये दूसरा ये तरीका है, ये मेंबर को आप इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर मेंबर को आपको इनिशियलाइज करना है तो एक अलग तरीका होगा ये, और एक तरीका और यहाँ पे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज अगर आप यहाँ पे एकदम, यहाँ पे एक तरीका और है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट आपने लिखा इंट एक्स कॉमा वाई, ये आपने बंद किया, और पी वन इक्वल टू आप यहां पे भी कर सकते हैं 0 1। तो होगा क्या, एक्स को मिल जाएगा 0 और वाई को मिल जाएगा 1। तो एक तरीका ये है जो स्ट्रक्चर के साथ है, और ये सेपरेट जो स्ट्रक्चर के मेंबर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बताया, और एक तरीका मैंने आपको बताया और कि स्ट्रक्चर के मेंबर को इनिशियलाइज दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सेपरेट मोड में कर सकते हैं और या तो आप डायरेक्ट उसी तरीके से स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, तो एट लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।